हेलो फ्रेंड्स, आज हम कोडिंग डिकोडिंग का सेक्शन कवर करेंगे। अराउंड 5 मार्क्स का ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, और हम बस यहाँ पे ये देखेंगे कि आता तो सभी को है कोडिंग डिकोडिंग, बस हम यहाँ पे ऐसे देखेंगे कि इसे जल्दी से जल्दी हम कैसे सॉल्व कर सके, क्योंकि हमारे पास एग्जाम में बहुत ही कम टाइम होता है। इसलिए हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ टाइम पे फोकस करेंगे, और टाइम पे फोकस तभी हो सकता है जब आप सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करें। ओके, तो प्रैक्टिस करना तो बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं यहाँ पे जो बताऊंगी आप उसको भी करिए, उसके अलावा और भी क्वेश्चन सॉल्व करिए। RS अग्रवाल की बुक है, आपको और कोई सी बुक चाहिए, मैं जिस बुक से करती हूँ मैं वो बुक का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप मेरे लिंक से जाके परचेस कर सकते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं कोडिंग डिकोडिंग का सेक्शन। पहला टाइप अगर हम मैं देखूं कि टाइप वन क्या है, टाइप वन में देखूं तो वो है लेटर कोडिंग। क्या है? लेटर कोडिंग। ओके, लेटर कोडिंग में क्या होता है, हम हमेशा देखे हैं बहुत सारे टीचर्स बताते हैं, बहुत सारे वीडियोस में होता है इजॉटी पढ़ो, है ना, तो लाइक जो भी है वो 5 का मल्टीपल। ओके, तो वो सब चीजें पढ़ते हैं, हमें याद रखना पड़ता है, फिर हमें बैक जाना पड़ता है, सोचना पड़ता है, हम इसके लिए भी टाइम वेस्ट करते हैं। सपोज ए और वाई है एक साथ आता है, ए और जेड एक साथ आता है, सॉरी ए और जेड एक साथ आता है, बी और वाई एक साथ आता है, तो इन सब के लिए कुछ शॉर्टकट्स निकालो कि हम इसे लर्न कैसे कर पाए कि कौन किसका अपोजिट है। मैं तो ऐसा बिल्कुल नहीं करती हूँ। मैं क्या करती हूँ, हमें एग्जाम के पहले थोड़ा सा टाइम तो मिलता है, मैं तो हमेशा यही करती हूँ, ए बी सी हम क्या लिख लेते हैं, पूरा जेड तक के अल्फाबेट्स लिख लेते हैं। हालांकि ये टाइम कंज्यूमिंग है, लेकिन जितना आप याद करने में टाइम लेते हैं मे बी इतना टाइम तो लग ही जाता है। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम तक, एम तक लिखे, और उसी के नीचे उल्टे डायरेक्शन में लिखना स्टार्ट कर दो, एन एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई एंड जेड। तो आपको क्या मिल गया यहाँ से, आपको मिल क्या गया, ए का ऑपोजिट क्या है जेड, बी का ऑपोजिट क्या है वाई, सी का ऑपोजिट एक्स, डी का ऑपोजिट डब्ल्यू, ई का वी, एफ का यू, जी डी एच एस आई आर जे के पी एल ओ एम एन, ये सब एक दूसरे के ऑपोजिट मिल गए। लेकिन हमें कुछ लर्न करना पड़ा क्या, जो बचपन में हमने किया है वही किया है, बस इसको क्या कर दिया, एम तक लिखने के बाद रिवर्स डायरेक्शन ले लिया हमने, है ना, ये कर दिया, बस हो गया हमारा ऑपोजिट लेटर्स जो भी रहेंगे वो हमें तो पता चल गया कि इसका ऑपोजिट क्या होता है, उसका ऑपोजिट क्या होता है ना। तो एक बार इसे अच्छे से रीराइट कर लेती हूँ मैं। गाइज, हम कोडिंग डिकोडिंग करते किस लिए, कोडिंग डिकोडिंग करते हैं सिर्फ और सिर्फ, हमें ये ऐसे क्वेश्चन इसलिए मिलते हैं ताकि एग्जामिनर जो है वो कैंडिडेट की एबिलिटी को चेक कर पाए। एबिलिटी का मतलब क्या हुआ कि अगर आपके सामने कोई भी कोड मिल जाए, वो कोड के फॉर्म में हो अगर, तो आपको उस कोड को तोड़ना है, ब्रेक करना है। ओके, इसलिए हमें वो कोडिंग डिकोडिंग का नॉलेज रहना चाहिए इसमें, रीजनिंग में। ओके, तो चलिए, तो हमने देखा लेटर कोडिंग का, हमने कोडिंग के अभी क्वेश्चंस नहीं किए हैं, क्वेश्चंस में बताऊंगी कि पैटर्न कैसे होते हैं, क्या क्वेश्चंस आते हैं। ओके, अभी हमने क्या देख लिया कि ऑपोजिट हमें याद करने की जरूरत है ही नहीं, बचपन से हम पढ़ते ही आए हैं, उसी को हमने बस क्या कर दिया, रिवर्स डायरेक्शन में लिख दिया। ओके, तो अब क्या कर ले हम इसको, अब हम कर लेते हैं नंबरिंग दे देते हैं, वो सेकेंड टाइप में आ जाएगा नंबर कोडिंग। ओके, नंबर कोडिंग करके आप नाम लिखे ना लिखे मैं आपको सारे क्वेश्चंस करवा ही दूंगी, ऐसे टाइप वाइज चलने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि अगर आपको ये पता चल गया, इसके ऊपर के नंबर्स पता चल गया, आपको नंबर्स भी लर्न करने की जरूरत नहीं है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 and 26. ओके, हो गया हमारे अल्फाबेट्स 26 होते हैं। तो ये हमारा हो गया कोडिंग के लिए, हमें जो जो चीजें चीजों की जरूरत पड़ती है मोस्टली, हमें वो पता चल गया कि हमें अब ये तो लर्न करने की जरूरत है नहीं, कुछ ही सेकेंड्स लगेंगे आपको झट से ये सारा लिखने के लिए। ओके, तो अब अगर मैं क्वेश्चंस लिखूं, अगर मैं लिखती हूं कि सपोज बैट को मैंने दे दिया है बी ए टी बैट, बैट का मैंने लिखा है कि क्या है बैट का वैल्यू, बैट का वैल्यू मैंने दे दिया है 23। ओके, तो अब ये आपको ये चेक करना पड़ेगा, और मैंने बोला है कि आप कैट की वैल्यू फाइंड आउट करिए,
किसकी वैल्यू फाइंड आउट करने बोल रही हूँ मैं, कैट की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बोल रही हूँ. ओके, तो बैट की वैल्यू क्या हो गई, बी ए टी बैट. 23 वो कैसे लिखा होगा, 23 तो डब्ल्यू का नंबर है. तो फिर अब देखना पड़ेगा हमें कि ये क्या कर सकता है. वही होता है कि एबिलिटी कि आप उसको किस तरीके से उसे डिकोड कर सकते हो, इसकी वैल्यूज को इसने क्या किया होगा, कैसे लिखा होगा, आप उसे कैसे देख रहे हो, वही तो एबिलिटी है बॉस, वही तो चेक कर रहा है कोडिंग डिकोडिंग में. ओके, तो चलो अब देखते हैं कि क्या है. बी का वैल्यू कितना है, बी का वैल्यू 2 है, ए का वैल्यू कितना है, 1 है, और टी का वैल्यू कितना है, 20 है. क्या अगर मैं इन तीनों को एड करूं आपस में तो मेरे को 23 मिलेगा क्या? देखो 20 प्लस 1 प्लस 2 कितना हो गया, दिस इज 3 एंड 20 इज 23. ग्रेट, हमें मिल गया राइट. बैट की वैल्यू 23 मिल गई, वो भी कैसे, हमें इसके नंबर्स को एड करके मिल गया. तो अगर मुझे कैट का वैल्यू निकालना है तो हम निकाल लेंगे, कैट के लिए सी का 3 प्लस ए का 1 एंड टी का 20 कितना हो जाएगा, 20 प्लस 1 21 एंड प्लस 3 दैट इज 24. तो हमें आंसर मिल गया, कैट की वैल्यू कितनी मिल गई हमें, 24 मिल गई. ओके, क्लियर है इतना. ऐसे टाइप के ही क्वेश्चन आते हैं, बस आपको ये देखना होगा कि कौन सा कोड ये जनरेट करने की कोशिश कर रहा है, किसको कहां लेके जा रहा है, कौन से पोर्शन को वो किससे रिलेट कर रहा है. कभी आएगा कि आपको प्लस वन करना पड़ेगा, माइनस वन करना पड़ेगा, कुछ भी करना पड़ सकता है. प्लस वन मैंने एग्जाम्पल लिया है, ओके, माइनस वन मैंने एग्जाम्पल लिया है. मैं ये बस बताना चाह रही हूँ कि वो क्या देगा वो हमें नहीं पता है. कोडिंग डिकोडिंग में यही है, हमें नहीं पता है कि वो कैसा कोड बना के देगा. हमें ब्रेक करना आना चाहिए, वो टैलेंट है. ओके, तो वो टैलेंट के लिए हमें सिर्फ चाहिए क्या, प्रैक्टिस. हमें सिर्फ करना होगा प्रैक्टिस. ओके, तो फिर अब हम करते हैं अगला क्वेश्चन लेके देखते हैं इसी के ऊपर, नंबर्स के ऊपर और अल्फाबेट्स के ऊपर. हम ये दोनों पे साइड बाय साइड काम करते चलते हैं. ओके, सपोज मैंने लिया है इंडिया, इंडिया, और इंडिया को ऐसा कोड किया हुआ है कि उसमें लिख रहा है R M W R Z. ओके, तो अब हमें पूछा जा रहा है कि आप बताइए हमें एशिया का कोड क्या होगा. ओके, तो अब ये क्वेश्चन हो गया हमारे पास. इंडिया दिया है, आई का, आई के लिए क्या दिया है, R होगा या तो फिर इनमें से कुछ होगा. ओके, तो हमें अब देखना पड़ेगा कि हमने ऑपोजिट वर्ड्स पढ़े. तो I का ऑपोजिट क्या होता है, I का ऑपोजिट क्या होता है, R. तो हमें मिल तो गया कि I को ये R लिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे भी I को वो क्या लिख रहा है, R लिख रहा है. ओके, हमें ऐसे ही बस चेक करते जाना है, देखते जाना है बार बार कि कौन सा क्या पैटर्न फॉलो करेगा वो, कैसे वो कहाँ पे किसको शिफ्ट कर रहा है, किसको कहाँ पे ड्रॉप कर रहा है, हमें वही देखना पड़ेगा. यहाँ पे तो हमें इजीली पता चल रहा है कि ये सब कहाँ एक के दिए हुए हैं, ये सब एक दूसरे के ऑपोजिट्स दिए हुए हैं. जैसे एम, एन का ऑपोजिट क्या हुआ, एम हो गया. ओके, वैसे डी का डब्ल्यू हो गया, आई का आर हो गया, एंड ए का क्या हो गया, जेड हो गया. तो हमें ये तो पता चल गया कि ये क्या दिया है, ये दिया है हमें किसमें, ऑपोजिट्स में दिए हुए. ओके, तो अब अगर मुझे पूछा था कि एशिया का निकालना है तो एशिया के लिए ए कितना है, ए का ऑपोजिट कितना है, आएगा हमारे पास जेड. एस का ऑपोजिट एच, ओके, आई का ऑपोजिट आर, और ए का ऑपोजिट अगेन जेड. तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा कोडिंग डिकोडिंग के लिए. क्लियर है. अब इसी में और भी क्या आते हैं, नंबर्स और अल्फाबेट्स के थ्रू ही आते हैं. हमारे पास अल्फाबेट्स कितने होते हैं, टोटल होते हैं 26. उनमें से हमने बचपन में ही पढ़ा कि कुछ क्या होते हैं, वोवेल्स होते हैं, और कुछ क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट्स होते हैं. ओके, कुछ होते हैं कॉन्सोनेंट, कुछ होते हैं वोवेल्स. वोवेल्स कितने होते हैं, 5 होते हैं, और जो बच गया वो क्या हो जाएगा, हमारा कॉन्सोनेंट, दैट इज 21. और 5 वोवेल्स में क्या क्या होता है, ए ई आई ओ यू, और कॉन्सोनेंट्स क्या हो जाएंगे, बी सी डी एफ जी अप टू ऐसे जेड, जो भी वॉवल्स है वॉवल्स को यहाँ पे स्किप करके. ओके, तो ये हमें मिल गया. अब हमें वॉवल्स के थ्रू क्या चेक करना होता है, वॉवल्स हमको पता है कि ये कितने होते हैं, सिर्फ और सिर्फ 5 होता है. जब 5 वॉवल होते हैं हमें पता है, तो हम इसे भी नंबरिंग करते हैं, वॉवल्स नंबरिंग बोलते हैं इसे. ओके, 1 2 3 4 एंड 5. ओके, तो ये हो गया वॉवल नंबरिंग, हो गया हमारे पास दिस इज 3 वॉवल नंबरिंग हो गया. तो अब अगर हमें क्वेश्चन पूछा जाए, मैं सेम क्वेश्चन ही ले लेती हूँ, इंडिया वाला ही. ओके, अगर मैं देखूं इंडिया, और इंडिया को मैंने लिखा है किसी कोड में कुछ कोडिंग करके, 3 M W 3 1. ओके, दिस इज आई. ओके, अगर मैंने इंडिया को ऐसा लिखा है और मैं आपसे पूछ रही हूँ कि एशिया का बताइए, एशिया को हम इसी कोड के थ्रू कैसे लिख सकते हैं, तो इंडिया का आई 3
यहाँ पे अगर हम देखें तो आई के लिए तो नंबर कितना अलॉटेड है, नंबर अलॉटेड है 9, लेकिन ये 3 क्यों लिख रहा है? फिर एन को वो क्या लिख रहा है, एम लिख रहा है, डी को वो डब्ल्यू लिख रहा है, डी को वो डब्ल्यू लिख रहा है। हमें ये क्या पता चला, ये दोनों क्या हुआ है, कॉन्सोनेंट हुए एन और डी, और वो कॉन्सोनेंट के लिए क्या यूज कर रहा है, ऑपोजिट वर्ड यूज कर रहा है दोनों कॉन्सोनेंट के लिए। बाकी आई आई और ए क्या हो गए, वॉवल हो गए, और वॉवल्स के लिए वो क्या यूज कर रहा है, नंबर यूज कर रहा है। तो हमें ये तो पता चल गया कि वो वॉवल को नंबर से डिनोट कर रहा है और कॉन्सोनेंट्स को ऑपोजिट वर्ड से। तो इसमें कॉन्सोनेंट क्या है हमारे पास, एस, एस कॉन्सोनेंट है, तो एस का ऑपोजिट हमारे पास क्या है, एस का ऑपोजिट हमारे पास एच है। ठीक है, हमें ये तो मिल गया, लेकिन अब नंबर्स कैसे डिसाइड करें, नंबर्स हमारा डिसाइड होगा यहाँ से, ए ई आई ओ यू वॉवल से। ओके, तो ए क्या है हमारे पास, ए है हमारा किस नंबर पे, वन नंबर पे, तो वन आ गया ए के जगह पे। आई हमारा किस नंबर पे, आई है हमारा 3 नंबर पे, फिर से ए किस में, वन नंबर पे। तो एशिया की कोडिंग क्या होगी, 1H31, दिस इज योर आंसर फॉर द एशिया कोडिंग। क्लियर है इतना, हमने यहाँ पे वॉवल कॉन्सोनेंट का भी देख लिया, यहाँ पे नंबरिंग और लेटर्स का भी देख लिया। ओके गाइज, हम एक और क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, यहाँ पे क्या लिखा है, टीचर, टीचर लिखा है TEACHER, टीचर को किसी कोडिंग के थ्रू इसने यहाँ पे कोड किया है VGCEGJGT। ओके, तो अब हमें वो चेक करना पड़ेगा पहले कि इसने क्या लॉजिक लगाया होगा कि उसको ये ऐसा लिख पाया है। तो या तो T का V होगा, G होगा, कुछ हो सकता है। तो हम क्या देखेंगे, पहले T का ऑपोजिट देखेंगे, T का ऑपोजिट क्या होता है, जी, तो है ये ऑपोजिट यहाँ पे। E का ऑपोजिट क्या होता है, E का ऑपोजिट होता है V। ओके, तो ये इधर आया। A का ऑपोजिट क्या होता है, Z होता है, लेकिन Z तो यहाँ पे कहीं पे है ही नहीं, मतलब ये ऑपोजिट वाला खेल नहीं है, है ना। तो हमको देखना पड़ेगा, कुछ और सोच के देखते हैं। ठीक है, तो क्या होगा, T का V वो कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे T है और यहाँ पे V है, हाँ। तो अब T का V लिखने के लिए उसको क्या करना पड़ रहा है, प्लस 2 करना पड़ रहा है, 20 प्लस 2 करेगा तभी 22 होगा, है ना। तो वो क्या कर रहा है यहाँ पे कर रहा है प्लस 2। नेक्स्ट ई से जी जाने के लिए भी क्या कर रहा है, उसने प्लस 2 किया। तो हमें पैटर्न क्या पता चल गया, ये क्या हो रहा है, हम सबको चेक करेंगे तो ये कितना होता जा रहा है, प्लस 2 होता जा रहा है। आर का टी करने के लिए, आर से टी आने के लिए भी क्या किया उसने, प्लस 2 किया, 18 प्लस 2 इज 20। क्लियर है, तो हमें ये पता चल गया कि ये 2 प्लस कर रहा है। अब बोल रहा है वो चिल्ड्रन को उसी कोड में लिखना है हमें। ओके, डी कोड तो हो गया हमारा कि वो क्या पैटर्न फॉलो कर रहा है, अब चिल्ड्रन का कोड उसी फॉर्म में बनाना है। तो अब अगर मैं सी का रखूं, सी की वैल्यू कितनी है, 3, प्लस 2 कर दूं तो कितना हो जाएगा, 5, और 5 में कौन आता है, ई आता है। क्लियर है, वैसे ही एच का अगर मैं आगे बढ़ूं 2, तो क्या आएगा एच का, जे। आई का 2 आगे बढ़ूं तो क्या मिल जाएगा मेरे को, के। एल के लिए एन, एल के पास 2 कर दो, 12 प्लस 2 कर दो, कितना हो जाएगा 14, और 14 किसकी वैल्यू है, एन की वैल्यू है। क्लियर है, एन आ गया। डी के लिए क्या आ जाएगा, एफ। आर के लिए आएगा टी। E के लिए आ जाएगा अगेन G, और फिर N के लिए क्या आ जाएगा, T। क्लियर है, ये हो गया हमारी कोडिंग इसके लिए। तो ये हमारा क्या हो गया, एक आंसर हो गया। अब अगर मैं देखूं, दूसरा क्वेश्चन ले लेती हूँ, एक ले लिया ये, स्टडी को ऐसा लिखा हुआ है, स्टडी को RSTCX लिखा है और पूछ रहा है कि कोडिंग को हम क्या लिख सकते हैं। ओके, तो अब कोडिंग को हम क्या लिख सकते हैं देखते हैं, पहले स्टडी को उसने क्या लिखा है, एस को क्या लिखा है, आर। ओके, तो पहले तो मैं ये क्लियर कर लूं थोड़ा सा, तो हमें समझने के लिए दिक्कत नहीं होगी। ओके, तो एस को क्या लिखा है इसने, आर लिखा है, एस यहाँ पे है और ये आर तक गया है, मतलब पीछे जा रहा है, -1 किया यहाँ पे। टी को उसने क्या लिखा है, एस लिखा है, टी को एस लिखा है, मतलब -1 गया फिर से। यू को क्या लिखा है, टी लिखा है, अगेन क्या गया, -1 गया। ओके, बढ़िया। डी को क्या लिखा है उसने, सी लिखा है, डी को सी लिखा है, 4-1 गया, मतलब यहाँ पे भी क्या गया, वो 4-1 सी, मतलब 3 मिल गया, -1 गया। वाई को क्या लिखा है, एक्स लिखा है, 25-1 24 मिल गया, एक्स मिल गया। हमें पैटर्न क्या पता चल गया, ये क्या कर रहा है, सब में कर रहा है ये -1। ओके, तो कोडिंग क्या हो गई हमारी, अब सी के में -1 करते हैं, सी की वैल्यू कितनी, 3, 3-1 इज 2 इक्वल्स टू बी। ओके, ओ के लिए क्या लिखेंगे फिर, अब वैसे ही हम ओ के लिए एक पीछे चले जाओ क्या आ जाएगा, एन। डी के लिए एक पीछे चले जाओ सी, आई से एक पीछे गए तो एच, एन से एक पीछे गए तो एम, और जी से एक पीछे चले गए तो क्या मिल गया हमें, एफ मिल गया। ये क्या हो गया हमारा आंसर हो गया, जो हमने इधर से डी कोड किया था और फिर इसको कोड कर दिया।
क्लियर है? ऐसे ही करना है, बहुत से बहुत इजी क्वेश्चन आएंगे, बस आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है, तभी आपको सारी चीजें प्रॉपरली समझ में आ पाएगी। आगे और पैटर्न्स देखते हैं इसके, मजा आएगा पढ़ने में भी और। ओके तो चलो अब हम देख रहे हैं इसे, हम नंबर्स के पैटर्न में देखते हैं। ओके अगर मुझे क्वेश्चन दिया है, हमें लिखा है कि इंडियन लिखा हुआ है, ओके इंडियन लिखा है और इंडियन को उसने ऐसा कोड किया है कुछ 9 5 4 9 1 5, तो अब हमें ये चेक करना है कि इसने ऐसा क्या कोड किया है। और हमको पूछा क्या है, किसके लिए पूछ रहा है, वो पूछ रहा है हमें आर्मी के लिए कोड बताओ। ओके तो इंडियन का कोड क्या लिख दिया इसने, 9 5 4 9 1 5। अब वो कैसे लिखा, आई के लिए कोडिंग क्या है, आई के लिए हो गया 9, तो चलो आई तो हो गया। एन के लिए क्या है, 5, एन का तो लेकिन हमारे पास 14 है, वो 2 डिजिट में है लेकिन हमको सिंगल डिजिट क्या मिला है, 5। तो हम देखेंगे 14 को हम कुछ ऐसा करें कि हमें क्या मिल जाए, 5। तो हम यहाँ देख रहे हैं 1 + 4 कितना मिल सकता है हमें, 5 मिल सकता है, तो मिल गया हमें। इसकी वैल्यू 9 थी, 9 लिख दिया, इसकी वैल्यू 14 थी तो 5 लिख दिया, इसकी वैल्यू 4 है तो 4, 9 है तो 9, 1 है तो 1, एंड अगेन 14 है तो क्या लिख दिया, 5। क्लियर है इतना? तो हमें, हमने इसे डीकोड तो कर लिया कि इसने क्या कर दिया, उसी के नंबर्स को लिखा है। अगर 2 डिजिट नंबर है तो उसे क्या कर दिया, उसने सम करके 1 डिजिट लिख दिया। अब वैसे अगर मैं आर्मी देखूं, आर्मी के लिए क्या है 1, आर के लिए क्या रहता है, आर के लिए होता है 18। ये चार्ट आप लोग देखते जाइए, ओके आर के लिए कितना होता है 18, एम के लिए कितना होता है 13, और वाई के लिए कितना होगा, वाई के लिए हो जाएगा 25। तो मैं इसको कैसे लिखूंगी, 1 तो सिंगल डिजिट है तो 1 लिख दिए, 18 कितना है 18, तो 1 + 8 इक्वल टू कितना लिख लूं मैं इसे, 9 लिख लूं, ओके 13 कितना है 1 + 3 इक्वल टू 4 लिख लेते हैं इसे, वाई 2 + 5 इक्वल टू 7। तो आर्मी का कितना आ गया डीकोड करने के बाद, उसे कोडिंग में डालने के बाद कितना आ गया, 1947 आ गया आर्मी का। ओके तो ये हमारा आंसर हुआ आर्मी के लिए। ओके एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इसी पैटर्न में, इसी में ही नंबरिंग में ही, लेकिन हम पैटर्न थोड़ा सा चेंज कर लेंगे अब उसमें। ओके तो अगर मैं लिखती हूँ, ओके कोडिंग ले लेती हूँ, मैंने ले लिया है कोडिंग, कोडिंग को कुछ ऐसा लिखा है उसने, कुछ गलत लिख लिया क्या मैंने, स्पेलिंग डबल आई कर दिया है, ओके फिर से लिख लेती हूँ कोडिंग। ओके तो कोडिंग को उसने लिखा है 4 6 3 7 5 9, और अब पूछ रहा है कि आप बताइए कि इंडियन का क्या होगा। ओके तो अब पहले तो इसमें चेक करो कि ये 4 6 3 7 5 9 किस बेसिस पे लिख रहा है, इसकी वैल्यू कितनी है 3, O की वैल्यू कितनी है हमारे पास 15, D की वैल्यू कितनी है 4, I की वैल्यू कितनी है हमारे पास 9, N है 14 और G कितना हमारे पास 7। तो हमें ये तो दिख रहा है कि C को 3 है तो यहाँ पे 3 है, D का 4 है, 15 नहीं दिख रहा है, वही पैटर्न आ गया 15, मतलब 1 + 5 इक्वल टू कितना हो जाएगा 6, तो यहाँ पे ये 6 दिख रहा है, मतलब ये 3 इधर आया, 6 इधर ही आया और D इधर आया, मतलब पैटर्न कौन सा फॉलो किया ये, अगर ये ऐसा है तो पैटर्न कौन सा फॉलो किया, फर्स्ट वाला लास्ट में, लास्ट वाला फर्स्ट में और सेंटर वाला सेंटर में, तीन तीन का पेयर कर लिया। वैसे ही आई को 9 दिया, जी को 7 दिया और एन को 15 क्यों दिया, 1 + 4 = 5, ओके 5 दे दिया, ठीक है एन 14 है तो 5 दे दिया उसे। क्लियर है पैटर्न, समझ में आ गया पैटर्न क्या किया, क्रॉस और सेंटर वाले को सेंटर में ही, ओके ऐसा ऐसा पैटर्न बन गया। अब बोल रहे इसी के बेसिस पे इंडियन को कोड करो, तो I की वैल्यू कहाँ आनी चाहिए थी, थर्ड में, D की वैल्यू फर्स्ट में और ये N का सेंटर में, वैसे ही I की वैल्यू लास्ट में यहाँ पे और ये सेंटर में, ऐसे आनी चाहिए। तो I की वैल्यू कितनी हमारे पास, I है हमारे पास 9, तो यहाँ पे ये 9 आएगा, क्लियर। फिर D की, N की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, N कितना है 14, तो 1 + 4 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, तो N को हम क्या लिख देंगे यहाँ पे 5, और D की वैल्यू कितनी आ जाएगी, D की वैल्यू है 4, तो 495 तो इसके लिए हो गया। अब I के लिए फिर से कर लो, I की वैल्यू 9, A की वैल्यू 1 और N की वैल्यू 14, मतलब 1 + 4 = 5, तो आंसर क्या आ गया 495519, दिस इज योर आंसर। ओके क्लियर है, ये नंबर्स कोडिंग भी हमें समझ में आ रहा है। मैं अगर ये वाला क्वेश्चन ले लूं तो यहाँ पे क्या लिखा है हमें, इनएक्टिव दिया हुआ है और इनएक्टिव को उसने कुछ कोड करके
यहाँ पे ये लिखा है बट कैन या कुछ भी आप पढ़ लीजिए ओके। और अब क्या बोल रहा है कि कंप्यूटर को वो कैसे कोड करेगा, मतलब कंप्यूटर की कोडिंग क्या होगी इसके अकॉर्डिंग। तो अब हम देखते हैं कि आई को उसने क्या लिखा है, वी। आई को वी 9 और 22 बहुत डिफरेंस है, बहुत ज्यादा दूर है यार ये तो मे बी शायद ये ना हो कुछ और हो। तो देखें अगर मैं n और i ज्यादा दूर तो नहीं है लेकिन ये अगेन रिवर्स में, एक बार फॉरवर्ड एक बार रिवर्स, और कुछ चेक करते हैं कि और क्या हो सकता है। i का i लिखा हुआ है, n भी लिखा है इसमें, a भी है, c भी है, t भी है, i भी है, v e भी है ना, मतलब सब है यहाँ पे, सब वेरिएबल सारे जो वैल्यूज है सब नीचे में भी दिए हुए है ना। तो मे भी हो सकता है कि इन्हीं को वो रीअरेंज किया हो, है ना। रीअरेंज करके देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर्स ओके। तो 1 i, अब i तो दो दो जगह पे, एक 1 में भी है और एक कहाँ पे 6 में भी है, तो i को हम छोड़ देते हैं, बाकियों को लिखते हैं पूरा ठीक है। n कहाँ पे, 2 पे, तो ये यहाँ पे आ गया 2 नंबर, यहाँ थर्ड लास्ट में ओके। फिर a कहाँ पे, थर्ड में, और ये आ गया फोर्थ लास्ट में, आ गया फिफ्थ नंबर पे आ गया। फिर ऐसे पैटर्न बन रहा है, कुछ ऐसा दिख रहा है आपको, ये ऐसा आएगा। फिर 6 हम i को भी नहीं ले रहे हैं राइट, और v क्या है 7 और e क्या है 8, मतलब यहाँ पे 8 आ गया और यहाँ से 2 3 4 5 मे बी यहाँ 6 होगा तभी ये पैटर्न बन पाएगा 6 7, और बच क्या गया 1। आ गया समझ में, बन गया हमारा कोडिंग कि हमने i को उठा के कहाँ पे रख दिया है, सेकेंड लास्ट में रख दिया फर्स्ट वाले i को। तो वही हमको करना है, अब क्या करेंगे, 7 नंबर पहले आएगा तो यहाँ पे नंबरिंग कर लो 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। सबसे पहले कौन सा नंबर आएगा, 7 नंबर, तो 7 नंबर वाला क्या है e लिख लिया। फिर क्या आएगा हमारे पास 6, फिर 6 वाला नंबर, सॉरी 6 वाला नंबर क्या हमारे पास t पे है, फिर 5 वाले में u है, 4 वाले में p, फिर m o c। अब 8th वाले पे क्या लिखना है, 8th वाले को ही लिखना है r। दिस इज योर आंसर, कंप्यूटर की कोडिंग हमारी हो चुकी है ओके। अब देखते हैं कि डायरेक्ट लेटर कोडिंग क्या होता है। डायरेक्ट लेटर कोडिंग ये होता है कि हमें इसकी जरूरत तब नहीं पड़ती है, हमें देखने की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि डायरेक्ट लेटर कोडिंग में मोस्टली हमेशा क्या दिया जाता है, दो चीजों के हमें आंसर्स दे दिए जाते हैं, मतलब दो पैटर्न हमें ऐसे बता दिया जाता है कि हम उसका यूज करके जो हमसे क्वेश्चन पूछा गया है हम उसका आंसर बता पाए ओके। तो जैसे यहाँ पे फायर का दिया और मूव का दिया और पूछा किसका है, ओवर का, तो कुछ इस तरह से उसने कोडिंग किया होगा कि उसने बस डायरेक्टली लिख दिया कि F को मैं Q लिख दूं, I को H लिख दूं, E को E ही रहने दूं ओके। तो उसने कुछ कोडिंग किया होगा, लेकिन जब हमें दो चीजें मिल जाती है ओके, मोस्टली जब हमें दो चीजें मिल जाती है और तब जब जो पूछा है उसके जो नाम वो है वैल्यूज है O V E R, वो इन ऊपर वाले में भी मिल जाए हमें, तो हमें ईजी हो जाता है क्या देखना, डायरेक्ट कोडिंग देखना। वो कैसे देख पाएंगे, अब हम वो देखते हैं ओके। जैसे फायर को उसने लिख दिया कि ऐसा लिख दिया, मूव को उसने ये लिख दिया जेड एम डब्ल्यू ई लिख दिया, तो अब पूछ रहा है ओवर को क्या लिखेगा। तो ओवर के लिए पहले हमको देखना पड़ेगा कि वो ओ को क्या लिख रहा है, ओ को क्या लिखा है उसने, एम लिखा है, तो ओ को हमने भी एम लिख दिया। वी को क्या लिखा है उसने, वी को लिखा है उसने डब्ल्यू। ई को क्या लिखा है उसने, ई। दोनों जगह पे ई अगर सेम होगा तो ही आप ई को लिख पाएंगे ऐसा ठीक है, अगर कुछ अलग रहता तो वो कुछ और ही कोडिंग दे रहा होता ठीक है, वो कोडिंग ही दे रहा होता। फिर अगर वो सेम लिखा है मतलब ये डायरेक्ट कोडिंग का फॉर्म है ओके। अब आर, आर को हम क्या लिख रहे हैं, आर को यहाँ पे क्या लिख रहे हैं हम, ओ लिख रहे हैं ओके। तो हमारा बन गया इसका ओवर की कोडिंग, हमको क्या मिल गई है, व्यू, जो भी आप पढ़ लो इसको ओके। दिस इज योर आंसर ओके, दिस इज योर आंसर फॉर द डायरेक्ट कोडिंग। गाइस आज हमने पार्ट वन पढ़ा है कोडिंग डिकोडिंग का। पार्ट वन में हमने कवर किया लेटर कोडिंग, डायरेक्ट लेटर कोडिंग, और थोड़ा सा पार्ट कवर किया हमने किसका, नंबर कोडिंग का। पार्ट टू में हम देखेंगे नंबर कोडिंग और सिंबल कोडिंग, एंड पार्ट थ्री भी इसका बनाएंगे हम, उसको उसमें हम देखेंगे मैट्रिक्स कोडिंग एंड सब्स्टिट्यूशन कोडिंग। इसी मैनर पे पार्ट वन पार्ट टू पार्ट थ्री करके हम कोडिंग डिकोडिंग का पूरा सेक्शन कवर करेंगे जिसमें से क्वेश्चन आते ही हैं ओके। गाइस आप मेरे चैनल पे बने रहिए और ये तीनों पार्ट जरूर कवर करिए, आपको कोडिंग एंड डिकोडिंग से कहीं से भी क्वेश्चंस जो आएंगे उसका सॉल्यूशन आपको मिलता ही जाएगा, आप उसके सॉल्यूशंस इजीली फाइंड आउट कर पाएंगे, आपको कोई भी दिक्कत नहीं जाएगी उसके क्वेश्चंस सॉल्व करने के लिए। आपको कोई भी डाउट होता है, अगर कहीं से भी कोई डाउट होता है तो आप मेरे चैनल पे कमेंट करें, मेरे वीडियोस पे कमेंट करें, आप अपने डाउट रखें वहां पे, मैं आपके क्वेश्चंस के आंसर जरूर दूंगी। गाइस अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो आप मेरे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, मेरे चैनल का सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना
ना भूलें, ताकि आपको मेरे न्यू वीडियोस टाइम टू टाइम पे मिलते रहें। गाइस हम मिलते हैं पार्ट टू में, सी यू इन द नेक्स्ट पार्ट, पार्ट टू ऑफ कोडिंग डिकोडिंग। टिल देन हैप्पी कोडिंग, बाय बाय।